मुकेश सहनी के पिता की हत्या। बिहार में सियासी धुरंधर हक्का बक्का। पुलिस और सरकार पर उठे सवाल। नहीं थम रहा जीतन सहनी पर बवाल। बिहार में वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी के पिता की गोली मारकर जान ले ली गई। इसके बाद से ही सत्ताधारी गठबंधन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उनकी पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब किसी पार्टी के नेता के पिता को मारकर फेंक दिया जा रहा है तो आम लोगों के लिए क्या हालात होंगे बिहार में, ये अपने आप में इस खबर ने ही सब कुछ बता दिया। बिहार की पुलिस के कारनामे वैसे तो पहले से ही मशहूर होते हैं, लेकिन अब इस मामले पर एनडीए के मंत्रियों ने खुलकर अपनी बात रखी है। बिहार सरकार के इन दोनों मंत्रियों ने कानून व्यवस्था और मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर क्या कुछ कहा वो सुनवाएंगे, लेकिन नितिन नवीन जो बिहार के मंत्री हैं, उन्होंने तो उल्टा तेजस्वी पर ही जमकर निशाना लगा दिया है। सुनिए, ये हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी की रात हत्या हो गई है। यह अत्यंत ही दुखद घटना है और सरकार इसे पूरा गंभीरता से ले रही है और प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। और वैसे भी मुकेश सहनी इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं, उस ख्याल से ये मामला और भी संवेदनशील है और सरकार और पुलिस इसे पूरी गंभीरता से और संवेदनशीलता से देखेगी और जांच कर जो भी सही दोषी होंगे, जो भी कातिल होगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। प्रकार की घटना घटी है, कहीं न कहीं पूरे विषय को एसआईटी का गठन किया गया है और तत्काल इस पर कड़ी से जांच चल रही है। जिस प्रकार से हत्या के विषय नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि व्यक्तिगत रंजिश या अन्य कोई बड़े कारण है। जिस प्रकार से एक मर्माहत करने वाली घटना घटी है और मैं तो मानता हूं कि सरकार पूरी तेजी से इस पर कार्रवाई करेगी और सही तथ्य तुरंत जनता के बीच में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तेजस्वी ने भी ट्वीट किया है, जंगल राज का है, क्या बिहार में सही में जंगल राज आ गया? अब तेजस्वी यादव जी को हर विषय पर राजनीति समझ में आती है। आज एक परिवार के साथ घटना घटी है, पहले घटना को सभी जो सरकार की संवेदनशीलता है उस पर सरकार काम कर रही है और अभी तक तेजस्वी यादव को जंगल राज नहीं समझ में आता है। तेजस्वी यादव जी, जंगल राज वो था जिसके घर में अपराधी अपराध करते थे, आपके घर में छिपते थे, आपके घर से पनाह मिलती थी, लेकिन हमारे समय में अपराधी अपराध करने के बाद उसको मालूम है जो समय लगे वो जेल के अंदर ही होगा, ये अंतर है जंगल राज और बाकी राज्यों।